अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव की नई फिल्म खो गए हम कहां आज 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। और सही बताऊं ना, इसको लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड तो था क्योंकि इसका ट्रेलर यार बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। अब मैं आजकल अवॉइड तो करता हूं कि यार ट्रेलर ज्यादा मूवीज के ना देखूं, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहते हो तो कहीं ना कहीं से आप ट्रेलर या मूवी के स्निपेट्स जरूर देख लेते हो। इसके ट्रेलर को लेकर मैं काफी एक्साइटेड था और इसको यार थोड़ा हाइप भी करा जा रहा था कि ये इस न्यू मॉडर्न जमाने की दिल चाहता है या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो सकती है। और मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि यार ये इस साल की एक अंडरडॉग मूवी हो सकती है जो बहुत अच्छी होगी, जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो क्या ये वो थी? लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले, इस फिल्म को अर्जुन सिंह ने डायरेक्ट करा है जो उनकी पहली फिल्म है, और इसको लिखा है जोया अख्तर और रीमा कागती ने। अब देखो यार, जोया अख्तर की जो फिल्म होती है ना उनमें एलिटिज्म बहुत ज्यादा होता है एंड उनसे थोड़ा रिलेट कर पाना ना मुश्किल होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा, जो कि उनकी पर्सनल चॉइस है, वो किसी भी कॉन्टेंट के ऊपर फिल्म बना सकती है। बट आजकल मेरा ये मन करता है कि अगर जोया अख्तर की कोई मूवी आ रही है तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। पर्सनल चॉइस है, मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये फिल्म बचपन के तीन दोस्तों को फॉलो करती है, इमाद, नील और अहाना, जो अब अपने 20s के अंदर हैं और अपने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उनका जो स्ट्रगल है वो हमारे स्ट्रगल से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ये जोया अख्तर की फिल्म है एंड वो लोग अपनी लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमाद और अहाना अमीर होते हैं और नील रिलेटिवली थोड़ा गरीब होता है। हम लोग उनकी प्रॉब्लम से रिलेट करके देख नहीं पाते, जो गलत नहीं है क्योंकि जोया अख्तर की पुरानी मूवीज जो हैं, जैसे कि दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उनमें भी कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम से हम रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन उन स्टोरीज में एक फ्लो होता है, आप कैरेक्टर्स के साथ फिर भी रिलेट कर जाते हो। इस मूवी के अंदर मेरे साथ तो वो बिल्कुल नहीं हो पाया। एक्टिंग और केमिस्ट्री की बात करें ना, अब इस मूवी को ना बहुत ज्यादा कंपेयर करा जा रहा था कि ये नए जमाने की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है हो सकती है। तो अगर एक्टिंग और एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री की बात करें ना, ऑनेस्टली भाई मैं सरप्राइज था अनन्या पांडे को एक्ट करते हुए देखकर, एंड उनकी एक्टिंग में मुझे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। बट मेरे लिए जो इस मूवी में स्टैंड आउट करते हैं वो है आदर्श गौरव। ड्रामा और इंटेंस और इमोशनल सीन्स में ना एकदम शाइन करते हैं, वो एकदम निखर कर आते हैं एंड उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सिद्धांत चतुर्वेदी वाज आल्सो रियली गुड इन द मूवी एंड तीनों एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है वो ऑकवर्ड नहीं लगती। लेकिन एक चीज जो ऑकवर्ड लगी है कि फिल्म जिन इश्यूज से डील करना चाहती थी ना, कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहना, सोशल मीडिया का ओवर यूज करना और फेक लाइफस्टाइल के पीछे भागना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करी जाती है, जो दिखाई जाती है ना, वो बहुत बचकानी लगती है और बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती यहाँ पर इंक्लूड करी गई है। उनमें बहुत ज्यादा एलिटिज्म झलकता है, वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें होती हैं और कई बार इग्नोरेंस भी होता है। एज एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ऑनलाइन आता है और वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को गालियां देता है, हेट करता है, नेपोटिज्म गैंग बॉलीवुड स्टार की प्रोफाइल पर कॉमेंट करता है। तो वहां पर ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि जो लोग बॉलीवुड स्टार्स को हेट करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा होता, इसलिए वो ऑनलाइन आकर बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज को हेट देते हैं, गालियां देते हैं, नेपोटिज्म कमेंट करते हैं, जो एक तरह से सही है क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। बट यहाँ पर ये फिल्म उन सभी लोगों को एक ही बकेट में डालने की कोशिश करती है जो या तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं या फालतू में सेलिब्रिटीज को हेट देते हैं। क्योंकि इन माय ओपिनियन भाई देखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना हर एक आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी का फर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं लोगे और उसको हेट कमेंट या हेट की तरह ट्रीट करोगे तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे और हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये मुझे उनका थोड़ा इग्नोरेंस लगा। मेरे लिए मूवी का बेस्ट पार्ट था म्यूजिक और जो ये वाइब सेट करती है अपने म्यूजिक वीडियोस में, और जहां जहां पर भी गानों का यूज किया गया ना बहुत सुंदर लगता है। कई जगह पर सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। जहां पर एक सीन जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो ये था कि जहां पर इमाद का कैरेक्टर जब उसका ब्रेकअप होता है और वो खड़ा होता है फोटोग्राफ्स के चारों तरफ, जो फोटोग्राफ एक सर्कल बनाते हैं एंड वो उनके बीच में खड़ा होता है, वो सीन मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट किया था। बहुत क्रिएटिव चॉइस लगी थी मुझे सिनेमेटोग्राफर की वहां पर। तो मूवी को लेकर फाइनल थॉट्स मेरे ऐसे थे कि ये एक डिसेंट फिल्म है जिससे बहुत कम लोग रिलेट कर पाएंगे, ऑलमोस्ट लाइक बांद्रा की ऑडियंस 1% ऑडियंस रिलेट कर पाएगी, जो गलत नहीं है। बट अगर इस फिल्म को इस तरीके से मार्केट करा जा रहा था कि ये मॉडर्न टाइम्स की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है हो सकती है, तो ये फिल्म
उन मूवीज के लेवल को तो अचीव नहीं कर पाती है। और ये मूवी कहीं से भी हर किसी के लिए नहीं है, जबकि जो पुरानी दो मूवीज थी दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो हर किसी के लिए थी। हाँ, उनके कैरेक्टर से हम इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी हर कोई उन मूवीज को देखकर एंजॉय कर पाता था। अगर आपने मूवी देखी है तो भाई कमेंट करके बताना आपको मूवी कैसी लगी है। और रिसेंटली जोया अख्तर जो मूवीज प्रोड्यूस कर रही है उनके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके आप बता सकते हो। और ऐसे रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।